कहीं कोई रिश्ता पसंद नहीं आया इसलिए। लेकिन क्या मैं आपसे पूछ सकती हूँ कि आपने शादी क्यों नहीं की? अंजलि, क्या कर रही हो तुम? लड़कियों को इस तरह की बातें नहीं शोभा देती। रहने दीजिए आंटी जी, आपकी बेटी काफी पढ़ी लिखी है, मैं उनके सवाल का जवाब दे ही देता हूँ। वो क्या है ना, मुझे भी अभी तक अपनी पसंद की कोई लड़की नहीं मिली। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। वैसे आपकी तनख्वाह कितनी है, कितना कमा लेती हैं महीने का? जी यही कोई 25,000 महीने। बस 25,000? इतने से क्या होता है, इतने से तो आजकल घर भी नहीं चलता। आपके कहने का क्या मतलब है? अरे मैं तो ये सोच कर आया था कि नौकरी वाली लड़की है, आराम से 40,000 कमाती होगी। माफ कीजिएगा, आपका और मेरा रिश्ता नहीं हो सकता। जी कोई बात नहीं, मुझे भी आपके साथ शादी करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अंजलि किस तरह की बात कर रही हो, घर आए रिश्ते को ठुकरा रही हो तुम। दीदी अब इस उम्र में आपको इतनी अकड़ नहीं दिखानी चाहिए, अच्छा खासा रिश्ता हाथ से निकल गया, कहीं ऐसा ना हो कि जिंदगी भर कुंवारी ही रह जाओ आप। कुछ दिन और ऐसे ही निकल जाते हैं और अंजलि की शादी कभी नहीं होती। अंजलि के परिवार वाले बिंदास उसे ताने मारते रहते हैं, लेकिन अंजलि एक बड़ी नौकरी की तैयारी करती है और उसमें सिलेक्ट होने के बाद अंजलि को एक बहुत बड़ी नौकरी मिल जाती है। अब तो दीदी के नखरे और भी ज्यादा बढ़ जाएंगे भाई, अब तो इतनी बड़ी नौकरी जो लगी है, अब इनकी शादी होने से रही। माँ मुझे नौकरी के लिए दूसरे शहर जाना पड़ेगा, आप जानती हैं ये बहुत बड़ी जॉब है और इसमें पैसे भी बहुत ज्यादा मिलेंगे। अच्छा कितने पैसे मिलेंगे बेटा? माँ मुझे हर महीने 90,000 सैलरी मिलेगी। क्या, अरे वाह वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन फायदा क्या, कितने भी पैसे मिले शादी तो हुई नहीं ना तुम्हारी। अंजलि नौकरी करने के लिए दूसरे शहर में चली जाती है और जब कुछ महीनों के बाद वो वापस घर आती है तो उसे अपने पति के साथ देखकर उसके घर वाले हैरान रह जाते हैं। अरे अंजलि तूने शादी कर ली और हमें बताया तक नहीं, और दामाद जी करते क्या है, इतनी बड़ी कार है उनकी। माँ मैं आपको सब कुछ बताना चाहती थी लेकिन आप सबकी ताने सुनकर बहुत दुखी हो गई थी और इसलिए मैंने अपनी पसंद से शादी कर ली। मेरे पति मेरे साथ ही ऑफिस में नौकरी करते हैं और बहुत बड़े अफसर हैं। और एक बात बताऊं माँ, आज मैं बहुत खुश हूँ।